और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फोन्स अंडर 30,000 रुपीज, 30,000 के आसपास में कौन सा बढ़िया फोन है, सबसे बढ़िया फोन मैं रेकमेंड करने वाला हूं। तो ये फोन आपको इजीली 3 से 5 साल तक आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ढेर सारा परफॉर्मेंस देगा आपको, बहुत ही अच्छा इमेज क्वालिटी देगा एंड बहुत ही फ्लेक्सीबल कैमरास भी इसमें सेटअप किया गया है ताकि आप कोई भी एंगल से बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। लो लाइट कंडीशन में भी बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज मिलेगा आपको एंड उससे बढ़िया जो परफॉर्मेंस आपको देता है एक फोन्स बहुत ही बढ़िया फ्लैगशिप परफॉर्मेंस इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है इतने प्राइस रेंज में। तो 30,000 के आसपास सारे ब्रांड्स कूद पड़े हैं कि ये अच्छा दूं वो अच्छा दूं करके, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा फोन्स आपको इतने प्राइस रेंज में मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक ही फोन रेकमेंड करना, ये ले लो करके। तो इसीलिए मैं दो फोन्स रेकमेंड करूंगा, टॉप 5 बेस्ट 5 कहकर कंफ्यूज नहीं करूंगा। दो ही फोन्स में से आप कोई एक चॉइस कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट फोन्स है। पहला फोन कौन सा हो सकता है, एनी गेसेस? मोटोरोला? नहीं, मोटोरोला रियलमी नहीं, ओप्पो भी नहीं। तो सबसे पहला फोन है पोको की तरफ से F6, the latest launch from Xiaomi कह सकते हैं obviously। तो पोको F6 बहुत ही बढ़िया फोन है, क्यों? इसमें जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चिपसेट लगाया है इन्होंने तो सारे कंपटीशन को खत्म कर दिया इधर। तो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इन्होंने यूज किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा आपको। गेमिंग ओरिएंटेड, मल्टीटास्किंग ओरिएंटेड, ऐसे कोई भी चीज आप मोबाइल में कर रहे हैं तो जस्ट आंख बंद करके फोन ले लीजिएगा। स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 बेटर देन ऑल दोज कॉम्पिटिशन। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 दे रहे हैं, MediaTek का Dimensity 9000 दे रहे हैं, वो सारे चिपसेट से आपको ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। 50 मेगापिक्सल सेटअप प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेटअप है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड बाजू में रख देते हैं, इतना अच्छा नहीं है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेटअप, F1.59 एपर्चर वाला बहुत ही बढ़िया कैमरा है। 4K at 60 फ्रेम्स पर सेकंड आप रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि चिपसेट अलाउ कर रहा है यहाँ पर। फुल HD में आप स्लो मोशन अप टू लाइक 240 फ्रेम्स पर सेकंड तक आराम से स्लो मोशन भी कर सकते हैं, मतलब अच्छे अच्छे B-roll footages आप खींच सकते हैं, अच्छा अच्छा वीडियोस ले सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत ही बढ़िया इन्होंने दिया है। तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड इतना अच्छा मुझे नहीं लगा, वो एक ड्रॉबैक है, लेकिन प्राइमरी कैमरा से आप सारा चीज जो है वो कर सकते हैं। एंड उसके बाद सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का कैमरा इन्होंने चॉइस किया है, F2.2 एपर्चर वाला। कैमरा ओरिएंटेड फोन ही आप देख रहे हैं तो सेकंड फोन में दूसरा जो रेकमेंड करने जा रहा हूं वो वाला लेना आप, कौन सा है देखिए वीडियो एंड तक जरूर। बैटरी 5000 mAh का बैटरी इन्होंने लगाया है, विद 90 watts फास्ट चार्जर मिलता है, 2 to 3 days बैटरी बैकअप चल जाना चाहिए, तो फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट है। तो सबसे बढ़िया और क्या हो सकता है फोन में, डिस्प्ले 6.67 इंचेस का 120Hz AMOLED डिस्प्ले इन्होंने यूज किया है क्योंकि इसमें 68 बिलियन कलर सपोर्ट वाला डिस्प्ले इन्होंने चॉइस किया है, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है। HDR 10 प्लस भी सपोर्ट करता है, मतलब आप HDR के कंटेंट्स जो भी मोबाइल में देखेंगे बहुत ही अच्छा दिखता है, डायनामिक रेंज वगैरह, तो वो चीज आप अपने फोन में देख सकते हैं। तो इतने प्राइस रेंज में ये सारी चीज देना बहुत ही बढ़िया मैं समझूंगा। 500 nits स्टैंडर्ड ब्राइटनेस है, 2400 nits तक इसका पीक ब्राइटनेस जाएगा, तो सनलाइट कंडीशंस डेलाइट में भी आप बाहर बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं फोन को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने जो है वो पोको F6 में डाला है, राइट। तो इसीलिए नंबर वन रिकमेंडेशन हो जाता है पोको F6, 30,000 के आसपास में देख रहे हैं तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन, गेमिंग फोन देख रहे हैं तो डेफिनेटली पिक दिस पोको F6। कूलिंग भी बहुत ही इन्होंने एफिशिएंट बनाया है। तो नंबर टू फोन कौन सा हो सकता है, एनी गेसेस? रियलमी का होगा? नहीं। तो मैंने चॉइस किया है मोटोरोला एज 50 प्रो, तो सुपर्ब डिस्प्ले ऑफर करता है, सुपर्ब कैमरा परफॉर्मेंस एंड वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट इसका सबसे बेहतरीन बेस्ट इन द सेगमेंट है। 6.7 इंचेस का 144Hz आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, वो वाला डिस्प्ले इन्होंने यूज किया है, ट्रू कलर है, 10 बिट सपोर्ट कलर भी है, ट्रू टू डिस्प्ले कलर जो कहते हैं वो Motorola Edge 50 Pro में आपको मिलता है विद 144Hz रिफ्रेश रेट। देखिए बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले इन्होंने कॉम्पिटिशन के लिए यूज किया है। तो दूसरा चीज है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 इन्होंने यूज किया है, तो जो आपको सैमसंग F55 लेटेस्ट लॉन्च वो भी है उसमें आपको 7 Gen 1 यूज किया है, पता नहीं क्यों Gen 3 भी यूज कर सकते थे, पुराना यूज किया है वहां पर, तो वो कंपटीशन से हट जाएगा, इसलिए ये यहां पर Motorola Edge 50 Pro आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा इन्होंने दिया है। कैमरा सेटअप देखिए 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा वो भी F1.4 एपर्चर वाला मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है 50 मेगापिक्सल का, F1.4 मतलब बेटर देन द Poco F6, वहां जो 1.59 का एपर्चर वाला यूज किया है यहां पर 1.4, लो लाइट कंडीशन में बहुत ही अच्छा आता है, बैकग्राउंड ब्लर भी बहुत ही अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द Poco F6। तो Motorola Edge 50 Pro में दूसरा कैमरा सेटअप है 13 मेगापिक्सल का, F2.2 अल्ट्रा वाइड दिया है, तो बेटर देन द Poco F6 यहां पर इजीली है। एंड तीसरा सेटअप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, मतलब आप डिफरेंट फोकल लेंस विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा मैं समझूंगा। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी जो कहते हैं वीडियो निकालने के लिए, फोटोज के लिए कैमरा सेटअप ऐसा होना चाहिए, तो बेस्ट एग्जांपल यहां पर इन्होंने सेटअप लिया है, तो मैं कहूंगा कि कंपटीशन को बहुत ही टफ बना दिया है Motorola Edge 50 Pro आकर। तो सेल्फी के लिए भी 50 मेगापिक्सल का F1.4
1.9, कोई कसर नहीं छोड़ा है इन्होंने, बेटर देन दी अदर रेस्ट ऑफ द कंपटीशन। सेल्फी के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा f1.9 अपर्चर। तो 4K अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेन स्लो मोस भी है फुल HD में रिकॉर्ड करने के लिए। 4500 mAh का बैटरी इन्होंने चॉइस किया है। यहाँ पर देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज, 125 watts तक यहाँ पर सपोर्ट करता है चार्जिंग। तो आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने लाइक 68 watts का टर्बो चार्जर आपको दे देते हैं एंड 50 watts का वायरलेस चार्ज सपोर्ट भी आता है एंड 10 watts का पावर वायरलेस शेयर है। मतलब वायरलेस पावर आप शेयर कर सकते हैं, दूसरे फोन्स, कोई गैजेट्स है, अपना हेडफोन्स है, वो भी आप फोन को रखकर फोन के पीछे चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, मैं समझूंगा फर्स्ट इन द सेगमेंट भी इन्होंने दिया है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो 30,000 रुपए के आसपास में इन्होंने कवर कर दिया है एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं समझूंगा, क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिशन में रियलमी का GT 6 शायद 60 है, बहुत ही अच्छा फोन है वो भी। वहां पर 6000 nits ब्राइटनेस, वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट डिस्प्ले मिलता है एंड इवन 7 Gen 3 वो भी यूज किया है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हुआ मुझे रिकमेंड करने के लिए वो, क्योंकि पोको F6 एंड मोटोरोला का डिस्प्ले और ये सारा चीज जो है वो जस्ट देखने लायक है, ब्यूटीफुल फोन्स भी है। तो इसलिए ओप्पो रेनो का भी मैं रेकमेंड नहीं किया, रेनो 11 आता है, वीवो का रेकमेंड नहीं किया हूँ एंड इवन रियलमी का भी नहीं रेकमेंड किया हूँ। सैमसंग का F55 लेटेस्ट लॉन्च है, अगर आप सैमसंग फैंस है, यूजर इंटरफेस बहुत ही बढ़िया होता है सैमसंग का यूजुअली एज कम्पेयर टू अदर फोन, तो वो वाला आप ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट बताइए दो फोन कौन सा लेना है, एक फोन मैं ले लूंगा इसमें से। अगर पूछ रहे आप फोन्स एट अराउंड 30,000 rupees, डेफिनेटली पोको F6 लीजिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कैमरा ओरिएंटेड के लिए आप Motorola H50 Pro ले लीजिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। इफ यस, हिट दैट लाइक बटन, शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।